Subscribe for more videos. हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नितिन एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और हार्ड वर्क कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑप्टिक्स सीरीज जो है वो कंटिन्यू की हुई है, और ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों हमने रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करी हुई है। और रे ऑप्टिक्स में जैसा कि आपको पता है कि हमने जो मिरर वाला पार्ट है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना, डिटेल में कर चुके हैं। उसका हर एक कंसेप्चुअल और हर एक बोर्ड जो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा चुका हूँ। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी हम बच्चों डिटेल में कर रहे हैं। और लास्ट जो लेक्चर था मेरा, उसके अंदर मैंने आपको क्या करवाया था, मैंने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना समझाया था, ठीक है, उसकी एप्लीकेशंस कराई थी, और उसके ऊपर मैंने आपको बोर्ड में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे बच्चों वो करवाए थे। अब इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज जो है मैं काफी इंपॉर्टेंट केसेस आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जिनका नाम क्या है। टॉपिक का नाम पहले पता कर लेते हैं। टॉपिक का नाम हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए उसके हम सिर्फ दो केस करेंगे, और ये दो जो केसेस है बच्चों ये बोर्ड में मोस्ट जो है एक्सपेक्टेड केसेस है जो पूछे जाते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो टॉपिक का नाम पहले मैं लिख देता हूं यहां पर, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस। ठीक है, इसके अंदर जो मैं पहला केस आप करवाने जा रहा हूं बच्चों, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि सरफेस हमारी कैसी है। देखो, दो तरह की कर्व सरफेस हो सकती है बच्चों, या तो कन्वेक्स या फिर कनकेव। तो पहला जो मैं आपको केस करवाने जा रहा हूं वो कौन सा है हमारे पास, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये बना देते हैं कन्वेक्स स्फेरिकल कर्व सरफेस। ऑब्जेक्ट कहां पर है बच्चों हमारे पास, ऑब्जेक्ट होगा इन दी रेयर मीडियम, और जो इमेज बनने वाली है वो कहां बनने वाली है, डेंसर मीडियम के अंदर। ठीक है, और कैसी इमेज बनेगी बच्चों, रियल इमेज। तो ये टॉपिक देखो कैसा मैंने आपको लिखवाया है, एक बार इसको समझ जाएंगे तो आप खुद समझ जाओगे कि ये जो कन्वेक्स स्फेरिकल कर्व सरफेस कैसी होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम और इमेज डेंसर मीडियम में मतलब क्या मतलब है, और इमेज रियल का मतलब क्या है, तो इसको हम समझते हैं बच्चों। देखो, हमने लेंस में देखा है, लेंस में हमारे पास क्या होता है, चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है, तो हम वही सरफेस को आगे, ताकि जब हम जो वो लेक्चर करें बच्चों, हमें अच्छे से उसमें डीप में समझ आए कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कैसे करेंगे हम, तो उसी को करने के लिए हमारे ये जो दो टॉपिक हैं, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और ये दो केसेस को करने के बाद मैं आपको इसके जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सरफेस कैसी है, कन्वेक्स। तो मैं यहां डायग्राम बना देता हूं चौक के लिए। तो ये सरफेस हमारे पास कैसी है, कन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सरफेस कैसी है बच्चों, कन्वेक्स है। ये हमें पता है ये क्या होगा, पोल, और ये पोल से जाने वाली लाइन क्या होती है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये मान लेते हैं एयर है, एयर मतलब रेयर मीडियम, और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं बच्चों, म्यू वन, और ये हमारे पास क्या है, डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं म्यू टू। मान लीजिए ये एयर है, ये ग्लास है, या फिर ये एयर है, ये वॉटर है। ठीक है, इस तरह की हमारे पास सरफेस है। तो पहला क्या है, सरफेस कैसी है, कन्वेक्स स्फेरिकल कर्व सरफेस। तो कन्वेक्स स्फेरिकल कर्व सरफेस है, क्लियर बात। अब उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ, देखो रेयर मीडियम में। तो पहले हम एजम्पशन मान के चलेंगे, एजम्पशन हम पहले क्या मान के चलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है बच्चों उसको हम क्या लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हमें मान लिया कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जो कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस स्फेरिकल सरफेस को ऐसे बनाऊं तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यही कहीं बनेगा। तो यहां पर हमने लिख दिया सी, सी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस कन्वेक्स स्फेरिकल कर्व सरफेस। तो देखिए, देखो बच्चों, ये रे गई एक, ये रे चलेगी, और आपको पता है कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होती है, नॉर्मल के अलोंग, तो इट विल गो स्ट्रेट, ये सीधी चली जाएगी। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन जीरो होगा इसके अंदर। एक रे और लेते हैं, ये रे यहां पर इंसिडेंट हुई, और जैसी यहां पर इंसिडेंट हुई, यहां पर इसको क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा नॉर्मल इसके लिए, तो ये नॉर्मल,
तो यहां पर रे गई रेयर से डेंसर, और आपको पता है कि जब भी रे रेयर से डेंसर जाती है देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट हमें इमेज कैसी बनानी है बच्चों, रियर बनानी है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल की तरफ मुड़ती है और ये यहां जाकर कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो आप देख सकते हो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन दोनों की दोनों रे एक्चुअली मीट हो रही है। अगर दोनों की दोनों रे एक्चुअली मीट हो रही है तो इसका मतलब इमेज कैसी बनने वाली है बच्चों, रियल इमेज बनने वाली है। ठीक है, तो आई स्टैंड फॉर इमेज और दोनों रे सच में मिल रही है तो इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है। तो अब देखिए ध्यान से, हमें पता है कि जितने भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कहां से मेजर करते हैं बच्चों, पोल से मेजर करते हैं। तो आपको पता है पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, यू से डिनोट करते हैं। पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, आर से डिनोट करेंगे उसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और पोल और इमेज का जो डिस्टेंस होता है बच्चों उसको हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, बात क्लियर हुई। अब उसके बाद देखिए हमने उसके बाद क्या करना है बच्चों, हर चीज को ध्यान से नोटिस करते रहना, क्योंकि यही सेम स्टेप्स हम जो नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे ठीक है उसमें आपको काम आएगी। ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा एंगल क्या बनाना है, अल्फा। इमेज के साथ एंगल क्या बनाओ, बीटा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ हमेशा एंगल क्या बनाओ, गामा। ठीक है, दिमाग में बैठा लेना चाहिए, ऑब्जेक्ट के साथ क्या बनाना है, अल्फा। इमेज के साथ क्या बनाना है, बीटा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ क्या बनाना है बच्चों, गामा बनाना है। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनेंगे एंगल, अंदर वाले एंगल मतलब इंटीरियर एंगल बनेंगे। क्लियर है, अब उसके बाद क्या करते हैं हम, यहां से इसका नाम देते हैं बच्चों एन पॉइंट, और एन से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये हो गया हमारे पास एन एम, परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और आपको ये भी पता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट अगर ये छोटी सी चीजें आपको याद है तो बच्चों हम डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिकली दो एजम्पशन लेके चल रहे हैं। पहले एजम्पशन क्या ली कि ऑब्जेक्ट कैसा लिया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये एजम्पशन आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि पेपर में कई बार ये डेरिवेशन को जो पूछा जाता है विद देयर एजम्पशन पूछ लिया जाता है। तो पहली एजम्पशन क्या है कि ऑब्जेक्ट कैसा लिया हमने, पॉइंट ऑब्जेक्ट। दूसरी एजम्पशन क्या ली बेटा कि जितने भी ये आपको एंगल्स दिखाई दे रहे हैं ठीक है, अल्फा बीटा गामा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दीज एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, मतलब पैरेक्सियल एंगल्स हैं। और पैरेक्सियल एंगल्स कौन से होते हैं, जो बेसिकली इंसिडेंट जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ काफी स्मॉल एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल एंगल। ये भी मैं आपको पिछले लेक्चर्स में डिटेल में करा चुका हूं कि पैरेक्सियल एंगल्स क्या होते हैं बच्चों। अब अगर ये चीजें क्लियर है तो देखिए ध्यान से हम कैसे डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें बच्चों, तो बच्चों इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ओ एन सी, तो मैं यहां लिख देता हूं इन ट्रायंगल ओ एन सी। आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो इसका मतलब ये देखो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, इस ट्रायंगल के अंदर देखो बच्चों अंदर वाले एंगल कौन से हैं, अल्फा एंड गामा। ये अल्फा और गामा, और ये ट्रायंगल देखो ध्यान से आई क्या है, आई एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो इसका मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल ओ एन सी में देखूं तो आई किसके इक्वल आ गया बच्चों, अल्फा प्लस गामा के इक्वल आ गया। इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं। सिमिलरली इस ट्रायंगल को देखो आई एन सी, तो आई एन सी में अगर हम देखें आर और बीटा जो है ये तो अंदर वाले एंगल है, और बाहर वाला एंगल कौन सा है बच्चों, गामा वाला। तो इसका मतलब यहां पर लिख देता हूं मैं इन ट्रायंगल एन आई सी, तो इसमें अगर हम देखें कि गामा किसके इक्वल आ रहा है, गामा आ रहा है आर प्लस बीटा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो यहां से बच्चों अगर मैं आर निकाल लू तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, गामा माइनस बीटा के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर टू मान लेते हैं। अब मेरे पास आई भी है, मेरे पास आर भी है, तो इसका मतलब एन पॉइंट पर मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं बच्चों, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देता हूं। तो देखिए, तो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट एन, तो अगर एन पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन। और हम मानकर चल चुके हैं, जंक्शन याद रखना, हम मानकर चल चुके हैं कि सारे एंगल्स कैसे है, काफी स्मॉल एंगल है। अगर काफी स्मॉल एंगल है तो साइन आई की जगह क्या सकते हैं बच्चों, आई लिख सकते हैं, और साइन आर की जगह लिखते हैं आर लिख सकते हैं, म्यू टू बाय म्यू वन। अब इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारी डायरेक्शन काफी इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो आई म्यू वन इज इक्वल टू आर म्यू टू। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर वन और टू की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मतलब आई और आर की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, अल्फा प्लस गामा, और आर की जगह पुट कर देता हूँ बच्चों गामा माइनस बीटा।
चलो पुट करिए, तो देखो यहां पर देखो आई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, अल्फा प्लस गामा म्यू वन इज इक्वल टू आर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, गामा माइनस बीटा म्यू टू। ठीक है, अब अंदर इसको मल्टीप्लाई करिए बच्चों, अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा म्यू वन प्लस गामा म्यू वन इज इक्वल टू गामा म्यू टू माइनस बीटा म्यू टू। अब क्या करते हैं हम, अब यहां पर देखिए मैं कहता हूं बच्चों म्यू टू वाले गामा वाले को टर्म्स को इधर ले देता हूं और बाकी को इधर ले आता हूं, तो देखो मेरे पास क्या बनेगा, क्या मैं इसको ऐसे सकता हूं, यहां पर देखिए क्या मैं इसको ऐसे सकता हूं कि अल्फा म्यू वन प्लस बीटा म्यू टू माइनस वाले को लेफ्ट साइड जाए और यहां पर जब उधर लेके जाएंगे तो क्या रहेगा बच्चों, म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू गामा, गामा मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एजम्पशन हमने क्या मानी हुई है कि अल्फा बीटा गामा और आई और आर एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल एंगल्स, तो इसका मतलब क्या मैं अल्फा की जगह ले सकता हूं बच्चों टेंजेंट अल्फा, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा की जगह मैं क्या ले सकता हूं यहां पर टेंजेंट अल्फा, तो मैं लिखता हूं यहां पर म्यू वन टेंजेंट अल्फा प्लस म्यू टू टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन टेंजेंट गामा। ठीक है, हमने क्या करा, हमने वही जो है अपनी प्रॉपर्टी यूज करके ट्रायंगल्स वाली, ठीक है, उसमें हमने अल्फा की जगह टेंजेंट अल्फा, बीटा की जगह टेंजेंट बीटा और गामा की जगह टेंजेंट गामा। तो बच्चों इसके बाद देखिए ध्यान से एक मिनट, ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं इस चीज को कि टेंजेंट अल्फा को ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, टेंजेंट अल्फा की जगह टेंजेंट अल्फा कहां पर है, ये टेंजेंट अल्फा देखो एन एम ओ ट्रायंगल को देखो, तो टेंजेंट अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका मतलब मैं यहां पर टेंजेंट अल्फा की जगह टेंजेंट अल्फा ये सकता हूं परपेंडिकुलर, मतलब एन एम डिवाइड बाय एम ओ परपेंडिकुलर बाय बेस प्लस म्यू टू टेंजेंट बीटा की क्या ले सकते हैं बच्चों, टेंजेंट बीटा देखो ट्रायंगल देखो राइट एंगल ट्रायंगल में एन एम डिवाइड बाय एम आई, तो एन एम डिवाइड बाय एम आई इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन टेंजेंट गामा देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो टेंजेंट गामा कह सकते हैं एन एम डिवाइड बाय एम सी, एन एम डिवाइड बाय एम सी। तो अब देखो कि तीनों में एक चीज कॉमन आ रही है क्या, एन एम एन एम एन एम, तो एन एम से हमने क्या कर दिया दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। अब इसके बाद सीधा क्या पुट करो बच्चों, कन्वेंशन पुट करो, तो कन्वेंशन क्या कहती है देखो ध्यान से, म्यू वन बाय एम ओ, एम ओ क्या हमारे पास u है और आपको पता है कि कन्वेंशन क्या कहती है हमारी कि प्रिंसिपल एक्सिस पोल से जितने भी लेफ्ट वाले डिस्टेंस होते हैं बच्चों क्या लेते हैं उसको नेगेटिव, तो हम एम ओ एम हमने क्या है बेसिकली पी के इक्वल है क्योंकि जितने भी डिस्टेंस लेते हैं पोल से लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम में हम क्या कर सकते हैं एम की जगह कह सकते हैं बच्चों पी लिख सकते हैं, तो ये पी हो गया, यहां भी पी लिख सकते हो आप और यहां भी पी लिख सकते हो, क्लियर है बात। तो पीओ क्या है हमारे पास माइनस यू प्लस म्यू टू डिवाइड बाय पी आई, पी आई किसके इक्वल है बच्चों, अब देखो वी के इक्वल, म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाय पी सी, पी सी किसके इक्वल है आर के इक्वल, क्योंकि पोल के राइट साइड वाले डिस्टेंस क्या लेंगे बच्चों हम प्लस लेते हैं, क्लियर है बात। अगर मैं इस जो इक्वेशन मेरे पास आई फाइनल इक्वेशन अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। तो ये जो है मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है बच्चों और इस रिजल्ट को आपने बिल्कुल अच्छे से दिमाग के अंदर रख लेना है। अब आप समझ गए होंगे कौन सा केस है, सरफेस कैसी है, कन्वेक्स स्फेरिकल कर्व सरफेस, ऑब्जेक्ट कहां पर था बच्चों रेयर मीडियम में, इमेज कहां बनी देखो डेंसर मीडियम में, और कैसी इमेज बनी रियल इमेज बनी, या तो आपको ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में डेरिवेशन आएगी या फिर आपको डायरेक्ट दिया जाएगा कि शो डेट म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, तो दोनों फॉर्म में आपको ये जो है डेरिवेशन एग्जामिनर पूछ सकता है या फिर इसके बेस पे आपको कोई ना कोई न्यूमेरिकल पूछेगा जो न्यूमेरिकल मैं आपको लेक्चर के लास्ट में करवाऊंगा। तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू ये आपको पता है ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये क्या हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है रेयर मीडियम, अगर एयर है तो ये कितना होगा वन होगा, ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ग्लास या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वाटर, मतलब डेंसर मीडियम की बात कर रहे हैं,
और ये हमारे पास क्या है म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन आई जो आज में आपको बॉक्स में दिखाई दे रही है ये बेसिकली रिलेशन एस्टेब्लिश कर रही है किस किस के बीच में, म्यू वन म्यू टू वी यू एंड आर के बीच में। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, रिजल्ट को आप जल्दी से नोट कर लो, डेरिवेशन आई थिंक आपने नोट कर ही ली होगी, ठीक है। अगर नहीं करी तो वीडियो को पॉज करके इसको डेरिवेशन को अच्छे से नोट करना, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको खुद निकालना है न्यूमेरिकल्स। और उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। हम प्रोसीड करते हैं बच्चों नेक्स्ट केस की तरफ विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का जो सेकंड मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है जो एग्जामिनर बेसिकली पूछता ही पूछता है वो केस कौन सा है, वो केस हमारे पास क्या है कि सरफेस कैसी है, कन्वेक्स स्फेरिकल कर्व सरफेस है। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ बच्चों, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है डेंसर मीडियम में, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। और इमेज कहां बनानी है हमें, इमेज बनानी है रियल मीडियम में, और इमेज बनेगी कैसे बच्चों, रियल इमेज बनेगी। तो ये तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो डेरिवेशन आपसे वो पूछ सकता है, क्लियर है। अब देखिए इसको करना कैसे है, ये हमारे पास एक कर्व कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ये है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम का इफेक्टिवनेस कितना है म्यू टू, ये है बच्चों रेयर मीडियम, रेयर मीडियम का इफेक्टिवनेस कितना है म्यू वन, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा हम यही मान के चलते हैं कि डेंसर मीडियम जो है उसका इफेक्टिवनेस म्यू टू से हम डिनोट करते हैं। तो आपको पता है ये क्या है बच्चों, पोल है, जैसे हमने वहां किया था डायरेक्शन सेम वैसे करेंगे। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, क्लियर है बात। आपको पता है यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा क्योंकि इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो सेंटर यहीं कहीं आएगा, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है डेंसर मीडियम में, तो हमने मान लिया कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर कहीं पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और ऑब्जेक्ट और पोल का डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, यू से डिनोट करते हैं, क्लियर। तो देखो एक रे तो गई सीधी, ठीक है, इट विल गो स्ट्रेट, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल से जीरो डिग्री बना रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा बच्चों, जीरो डिग्री। और एक रे गई यहां पर इंसिडेंट होती है, अब एक रे जो यहां पर इंसिडेंट हुई उसको क्या मिलेगा, नॉर्मल ये मिलेगा जो सेंट्रल कर्वेचर से पास हो रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल चला गया। और आपको पता है कि जब भी कोई रे डेंसर से रेयर में जाती है तो इमेज कैसी क्या होता है बच्चों, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अब नॉर्मल से दूर तो जाएगी बट कैसी बनानी है इमेज, रियल बनानी है, तो इट विल देखो ऐसे जा रही थी बट ये नॉर्मल के लॉन्ग ना होकर क्या होगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी और यहां कहीं पर एक रियल इमेज बन जाएगी बच्चों। और जो आपको पता है कि जो भी डिस्टेंस लेते हैं हम पोल से लेते हैं, और इमेज और पोल का डिस्टेंस किससे डिनोट करेंगे, हम सिंबल वी से डिनोट करेंगे। सिमिलरली यहां पर हमने क्या करा बच्चों, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ताकि राइट एंगल बन जाए हमारे लिए। अब यहां पर एन एन आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के, सेम वैसी डायरेक्शन है जो हमने अभी लास्ट केस में किया, और हमने मान लिया कि m इज वेरी क्लोज टू p। आपको पता है उसके बाद क्या करना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो अजम्पशन ले रखी है, साथ में क्या लेना है, ये अल्फा हो गया, इमेज के साथ क्या बनने वाला है बच्चों, बीटा बनने वाला है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ क्या बनने वाला है, गामा बनने वाला है। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। बट ये डायग्राम की आप प्रैक्टिस कर लेना, ये दो केस की प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, आप देखना कि आपको अगर ये 3 मार्क्स से कम कभी नहीं मिलेगी अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए सेम वही है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल देखेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल देखेंगे, एक तो ऑब्जेक्ट पर ट्रायंगल देखना बच्चों, देखो ध्यान से ओ एन सी, तो ओ एन सी ट्रायंगल देखिए, चलो मैं देता हूं यहां पर इन ट्रायंगल ओ एन सी, तो इस ट्रायंगल में देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, तो ये दो एंगल तो अंदर वाले हैं तो उसको लिख देते हैं आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा, तो यहां से हमने क्या निकालना है, आई निकालना है, क्यों, क्योंकि हमने संरचना अप्लाई करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लो। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल देखो बच्चों एन सी आई इन ट्रायंगल एन आई सी, तो एन आई सी ट्रायंगल में देखो अंदर वाले एंगल कौन कौन से है, गामा प्लस बीटा, और ये किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, आर के इक्वल आ रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लो। अब आपको पता है इसके बाद क्या अप्लाई करना, आपको स्नेचर अप्लाई करना, तो स्नेचर आगे रहता है साइन आई बाय साइन आर, स्टेप्स ध्यान को सब कुछ हो जाएगा बच्चों। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, देखो रे गई डेंसर से रेयर में, लाइट किसने मोड़ी, रेयर वाले ने, तो इसको हम पहले लिखेंगे तो म्यू वन बाय म्यू टू, बट इस डायरेक्शन में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर यहां पर हमने माना हुआ है कि एंगल्स काफी स्मॉल है
तो आई बाय आर इज इक्वल टू म्यू वन बाय म्यू टू। अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या आ जाएगा, म्यू टू इंटू आई आर इंटू म्यू वन। ये बात क्लियर है। अब आपको पता है कि आई और आर की वैल्यू यहां पुट कर दो तो आई की जगह हम कह सकते हैं बच्चों गामा माइनस अल्फा, और आर की जगह कह सकते हैं गामा प्लस बीटा। अब सिमिलरली अंदर मल्टीप्लाई करो उसको, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, म्यू टू गामा माइनस म्यू टू अल्फा इज इक्वल टू म्यू वन गामा प्लस म्यू वन बीटा। ठीक है, अब सेम इसको रीअरेंज करते हैं। ठीक है, गामा वाले को उधर ले जाते हैं, बीटा वाले को उधर ले जाते हैं बच्चों। तो यहां पर क्या आएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन गामा इज इक्वल टू म्यू वन बीटा प्लस म्यू टू अल्फा। बस आपको पता ही है कि अल्फा बीटा एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे बच्चों, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गामा। आपको सब पता ही है, आप इसको कंटिन्यू करिए। तो म्यू टू माइनस म्यू वन टेंजेंट गामा, म्यू वन टेंजेंट बीटा प्लस म्यू टू टेंजेंट अल्फा। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को पुट करना है यहां पर। तो आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको, बस उसके अकॉर्डिंग करिए और जल्दी से रिजल्ट निकालने की ट्राई करिए। तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो म्यू वन टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा देखो कहां पर दिखाई दे रहा है आपको, वो रहा देखो टेंजेंट बीटा, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है एन एम बाय एम आई, एन एम बाय एम आई प्लस म्यू टू टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा देखो ये ट्रायंगल देखो बच्चों क्या लिखेंगे, एन एम डिवाइड बाय एम ओ इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन क्या लिखा है यहां पर, टेंजेंट गामा, टेंजेंट गामा देखो क्या है एन एम डिवाइड बाय एम सी, सेम वही है, काट दीजिए इसको कैंसिल हो गए। ठीक है, और आपने पहले एग्जांपल मानी हुई थी कि एम इज वेरी क्लोज टू पी, क्योंकि सारे सारे डिस्टेंस कहां से लेते हैं, पोल से लेते हैं, तो एम की जगह लिख दो बच्चों पी लिख दो। ठीक है, अब इसकी बस कन्वेंशन अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करो, तो म्यू वन बाय पी आई, म्यू वन बाय पी आई, पी आई कहां पर देखो क्या लिखेंगे प्लस वी, प्लस म्यू टू बाई पी ओ, पी ओ की जगह क्या लिखेंगे बच्चों माइनस यू, तो यहां पर माइनस को मैं यहां ले देता हूं, तो यहां पर यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई पी सी, पी सी कहां पर आएगा बच्चों लेफ्ट में आएगा, तो क्या आएगा ये माइनस आर आएगा। तो बच्चों यहां पर देखो मैं यहां से अगर माइनस कॉमन ले लू तो यहां पर क्या आएगा, ये बन जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू, और ये मैंने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया कैंसल हो गया। क्लियर है बात। अब इसका मतलब मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, म्यू वन बाय वी माइनस म्यू टू बाय यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर। तो ये बच्चों मेरे पास क्या बन गई, फाइनल रिजल्ट आ गया। और प्रीवियस अगर आपको एक्सप्रेशन याद होगा तो उसके अंदर रिजल्ट क्या था वो भी मैं लिख देता हूं एक बार, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। तो बच्चों ये जो दो रिजल्ट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, और ये दो डेरिवेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं। तो वीडियो को पॉज करके ये डेरिवेशन भी आप नोट करिए, मेनली आपने डेरिवेशन को दो दो बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको जो है अच्छे से ये कंसेप्ट दिमाग के अंदर बैठ जाए, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ गई होगी। और इनके रिजल्ट बच्चों ध्यान रखने हैं, देखो जब हमारा पहले वाला केस था उसमें रिजल्ट क्या था, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, जबकि इसमें क्या रहा है यहां पर म्यू टू का क्या सिंपल बच्चों म्यू वन, मतलब म्यू वन म्यू टू को रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो म्यू वन यहां पर देखो म्यू टू का क्या आएगा म्यू वन, यहां पर क्या आएगा बच्चों देखो म्यू वन की जगह म्यू टू और म्यू टू की जगह म्यू वन। तो उम्मीद करता हूं कि ये डेरिवेशन आपको समझ आ गई होंगी बच्चों। अब हम प्रोसीड करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और बोर्ड में मोस्ट एक्सपेक्टेड मैं क्या कह सकता हूं इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर वन एक बार मैं आपको रीड कर देता हूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अ सनशाइन रिकॉर्डर ग्लोब ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर इज मेड ऑफ अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, अ रे एंटर्स द ग्लोब पैरेलल टू द एक्सिस, फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर वेयर द रे क्रॉसेस द एक्सिस। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास, ये हमारे पास एक ग्लोब है ग्लास का बना हुआ है, ठीक है ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस को हम थोड़ा थिक लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, ये आपको पता होगा ये पोल वन, ये पोल नंबर टू, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमें डायामीटर कितना गिवन है बच्चों उसका ग्लोब का 30 सेंटीमीटर,
और हमें क्या शो किया हुआ है, कह रहा है कि एक रे आ रही है विच इज पैरेलल टू द एक्सिस, और हमसे पूछना है कि फाइनल इमेज कहां क्रॉस करके जाएगी बच्चों इसको। तो देखिए ये ग्लास है और ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.5, क्लियर है, और ये एयर से आ रही है तो एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना बच्चों 1 है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो अगर मैं पिछले वाले दो केसेस का पहले वाले डेरिवेशन देखो बच्चों, तो पहले वाले डेरिवेशन का रिजल्ट क्या था, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ये क्लियर है। ये केस कब था बच्चों, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट का बना था रेयर मीडियम में और इमेज का बन रही थी बच्चों डेंसर मीडियम में, और कैसी इमेज बन रही थी, रियल इमेज बन रही थी। और दूसरा जो रिजल्ट हमने करा था बच्चों, वो रिजल्ट क्या आया था, म्यू वन बाई वी माइनस म्यू टू बाई यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर, ये केस क्या था बच्चों, डेंसर में जब ऑब्जेक्ट था और इमेज क्या बनी थी, रेयर मीडियम में, और इमेज कैसी बनी थी, रियल इमेज बनी थी। दोनों के दोनों केस किसके थे, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। अगर मैं सरफेस को देखूं, मान लीजिए ये है ए पॉइंट, मतलब रे का ए और बी, ये ए बी रे है जो ये इस सरफेस पे, कोई सरफेस पे, ये जो पी वन वाली हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है बेटा, इस पे इंसिडेंट होती है। तो देखो पहला केस तो बन गया रेयर टू डेंसर, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम इस बी पी वन सरफेस के ऊपर, पहले वाला। तो पहले वाली सरफेस पर मैं फॉर्मूला लगाऊ तो म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ठीक है। तो म्यू टू क्या है हमारे पास, ये वाला 1.5 माइनस सॉरी डिवाइड बाई वी, वी तो हमें निकालना है, माइनस म्यू वन, म्यू वन कितना है बच्चों 1 है, ठीक है, रेयर मीडियम के लिए एयर है, और यू कितना है, रेस कहां पर आ रही है, रेस आ रही है पैरेलल इन्फिनिटी से, क्योंकि इन्फिनिटी से रेस कैसे आती है, पैरेलल आती है, इसलिए मैं यहां पर कर देता हूं बच्चों इन्फिनिटी, माइनस टू लिखा क्योंकि पोल से लेफ्ट साइड से आ रही है, इज इक्वल टू म्यू टू कितना है 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई आर। अब पोल और सेंटर कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डायमीटर के बिना हमें 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा बच्चों 15 सेंटीमीटर। तो अब इसको सोल्व करिए, अब इसको सोल्व करता हूं मैं, देखो तो कितना आ गया 0.5 डिवाइड बाय 15, ठीक है। अब यहां पर क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये हो गया हमारे पास 5 बाय 150, तो ये हो गया 1 बाय 30, तो 1 बाय 30 हो गया बच्चों। तो इसको अगर मैं रिवर्स करूं तो कितना आ जाएगा 30 × 1.5 या फिर इसके सिंपल 45 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो अगर मान लो कि सेकंड सरफेस नहीं है, ये पी टू वाली सरफेस नहीं है, अगर सिर्फ ये वाली सरफेस है तो रेस जा रही है पैरेलल, तो यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद आपको पता है कि ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। तो कोई भी अगर पैरेलल सॉरी रेयर से डेंसर में जाएगी देन इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये अगर मान लो ये वाली सरफेस नहीं है तो ये रे जो रे है बच्चों एक्चुअली में कहां मिलती, ये रे एक्चुअली में यहां पर मिलती, कहां पर, इस पोजीशन नंबर I1 पर, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है यहां से 45 सेंटीमीटर हमने अभी निकाला, ठीक है 45 सेंटीमीटर। अगर ये 45 सेंटीमीटर है और ये डायामीटर 30 सेंटीमीटर है तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर, 45 माइनस 30 कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, क्लियर है। मतलब पी टू पॉइंट के लिए अगर हम पी टू से देखें इस आई वन को, तो पी टू के लिए जो आई वन है बच्चों ये किस तरह काम कर रहा होगा, एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम कर रहा होगा। तो इसका मतलब पी टू के लिए यू कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। अब इस वाली सरफेस को देखो, तो ये वाली सरफेस क्या, ये डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयर मीडियम हो गया। अगर ये डेंसर मीडियम हो गया तो डेंसर मीडियम के लिए डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेकंड सरफेस के लिए, ठीक है। ये तो हमारे पास पहले का रिजल्ट आ गया, तो ये हो गया हमारे पास म्यू वन बाय वी माइनस म्यू टू बाय यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर। अब वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, अब यहां पर आपको मेन दिक्कत हो सकती है, ये तो म्यू टू हो गया और म्यू वन कितना है 1 है, तो 1 बाय वी, क्योंकि वी तो हमें निकालना है, माइनस म्यू टू कितना बच्चों 1.5 डिवाइड बाय यू। अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि आई वन जो है इसके लिए कैसा काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और इसका डिस्टेंस कितना है 15, और राइट साइड में रखिए प्लस 15 इज इक्वल टू म्यू वन, म्यू वन अभी लिखा हमने 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाय आर। अब देखो पोल से इसका डिस्टेंस कितना होगा, माइनस कितना
ये 30 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो ये कितना होगा माइनस के 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, ये आने वाली है आपकी 15 बाय 2 मतलब 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए फाइनल इमेज बनी I2 और ये हमारे पास ये जो रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल एक्चुअली मीट एट दी I2 पॉइंट। ठीक है, ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। बट उसने हमसे ये चीज नहीं पूछी, उसने हमसे क्या पूछा बच्चों, उसने हमसे ये पूछा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो फाइनल इमेज बनी है कितने डिस्टेंस से बनी है। तो हमें पता है टोटल कितना है 30 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 15 सेंटीमीटर, और ये हमने अभी निकाला ये कितना है 7.5 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से I2 का डिस्टेंस कितना है बच्चों, तो CI2 विल बी इक्वल टू CP2 प्लस P2 I2, तो दोनों को ऐड करो कितना आ गया 15 प्लस 7.5 22.5 सेंटीमीटर, दिस इज अवर आंसर। तो देखो ये दो फॉर्मूले अगर आपको क्लियर है तो आपको इंप्लीमेंट करना भी आ गया होगा कि इसको हमने कैसे इंप्लीमेंट करना। अब हम प्रोसीड करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये आपके लिए ये मान के चलिए होमवर्क है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया है तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी काफी इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में मेरे जो मैं आपसे आपको पता है कि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मतलब आपको कुछ ना कुछ होमवर्क देता हूं कि जो भी आपने लेक्चर में समझा कि वो लेक्चर का कंसेप्ट आपको समझ आया या नहीं आया। तो अगर ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा तो मैं ये श्योर हूं कि आपसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जो आंसर है बच्चों वो भी बिल्कुल आप सही निकालोगे। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन मिली सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, तो मैं यही आपको सजेशन दूंगा कि बेसिकली वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।